अगर आप सच में चाहते हो कि मुझे मेरी राइटिंग स्किल को अच्छा करना है, तो आज से और अभी से दो काम करने स्टार्ट करने होंगे। ओके, अगर आप चाहते हो कि आप शानदार तरीके से अपनी लैंग्वेज को लिखना स्टार्ट करें, तो इसकी शुरुआत यहां से होगी बॉस, डायरी राइटिंग। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल। यस स्टूडेंट्स, इन द डायरी राइटिंग व्हाट यू हैव टू राइट, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि आपको डायरी राइटिंग लिखना कैसे है, उसके क्या नियम होते हैं। इस पर बेस मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड किए हैं और मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इसको समझे, इसके पैटर्न को। इन द डायरी राइटिंग मेनली यू हैव टू मेंशन द डेट, जैसे मान लीजिए आज का डेट है 16th December 2023। ठीक है, आज 16th December हुआ है 2023, पूरी डेट लिखना है तो पूरा लिख दो आप, ठीक है, जो आपको कन्वीनियंट आपके अकॉर्डिंग लगे। तो आपने डेट मेंशन कर दिया, आप टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। इवन आप टाइम लिख सकते हैं, मान लीजिए आप रात के 9 बजे लिख रहे हैं तो 9 PM कर दें, ठीक है। जनरली डायरी राइटिंग का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, इवनिंग का ही होता है, नाइट का ही होता है। आप दिन भर जो जो एक्टिविटीज़ आपने करी है वो सारी एक्टिविटीज़ को शाम में बढ़िया बैठ जाइए, एक पेन लीजिए, डायरी लीजिए अपनी, और उसमें लिखिए आपने क्या अच्छा सीखा, क्या बुरा सीखा, क्या एक्सपीरियंसेस आपने गेन किए, क्या अच्छी बात आपने सीखी, क्या मिस्टेक आज आपने करी जो मिस्टेक आपको भविष्य में नहीं करनी है। सो डायरी राइटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लैंग्वेज तो इम्प्रूव होता ही है, साथ साथ आपका धीरे धीरे राइटिंग के प्रति रुझान बढ़ता है, एक इंटरेस्ट आपको क्रिएट होता है राइटिंग में, एंड यू स्टार्ट राइटिंग परफेक्टली वेल। यू नो, आपको पता होता है कि मुझे और कैसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से लिखना है, और कैसे अपनी राइटिंग स्किल को और शानदार वे में लेकर जाना है। तो आप अपनी डायरी राइटिंग में टाइम मेंशन करें, डेट मेंशन करें, उसके बाद में टुडे से स्टार्ट करें। टुडे इट वाज अ ग्रेट डे, आज का जो दिन था बहुत अच्छा था। आई वोक अप एज यूजुअल अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे आई कुड नॉट गो टू कॉलेज एज आई हैड सम वर्क एट माई होम ठीक है ना। आज मैंने सीखा कि टुडे आई लर्न दैट अब जो सीखा ना उसको आप ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिख सकते हैं, वेन वी हेल्प अदर्स, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, वी आर ऑल्सो हेल्प्ड, ठीक है ना। अब ये मैसेज आपने ऐसा क्यों लिखा, कुछ आपने सीखा होगा लाइक इससे, वेन वी हेल्प अदर्स वी आर ऑल्सो हेल्प्ड, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी खुद की मदद भी हो जाती है। टुडे आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हुम आई गेव या हुम आई गेव सम मनी टू बाय बुक्स। ओके, आज मैंने क्या किया, टुडे आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं आज अपने एक दोस्त से मिला या मिली जिसको मैंने कहना कुछ पैसे उधार दिए थे किताब खरीदने के लिए। आज वो मेरे घर आया, ही केम एट माई होम एंड गिव माई मनी बैक एंड गिव मी सम बुक्स एज वेल।
दीज वर द बुक्स दैट आई वॉन्टेड टू बाय फॉर माई फोर्थकमिंग एग्जाम. ये वही किताबें थी जो मैं अपनी फोर्थकमिंग एग्जाम के लिए खरीदना चाहता था, खरीदनी चाहती थी. ओके सो आपके उस दोस्त ने जिसको आपने पैसे दिए थे कुछ समय पहले, 2-3-4 साल पहले, उसने वही किताबें भी आपको दे दी और आपके पैसे भी रिटर्न कर दिए. तो इससे आपने क्या सीखा कि हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारी मदद भी खुद की हो जाती है. और भी उसके आगे कुछ एड ऑन नया करना चाहते हो, एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप अपने डेली राइटिंग डायरी में इस तरीके की चीज़ों को जब मेंशन करते हैं तो धीरे 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 आपका राइटिंग स्किल इंप्रूव होता है, धीरे धीरे आपकी समझ जो है वो डेवलप होती है. आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि मुझे जो है और कैसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से चीज़ों को लिखना है. परवीन लिखती हैं, देखो भाई एक चीज़ तो है, डायरी राइटिंग अगर आप कर रहे हो ना तो थोड़ा उसको सीक्रेटली रखा भी करो, क्योंकि ये तो फैक्ट है, कभी आपकी डायरी किसी के हाथ चढ़ी ना तो इट माइट बी कि वो बड़े मज़े के साथ उसको पढ़ेगा और पढ़ के बड़ा हंसेगा, ठीक है ना. तो ये तो है यार, ये थोड़ा सा रिस्की काम है. अब जैसे देखो, ये बुरवा बारात करके जो है वो लिख रहे हैं कि इन द मॉर्निंग टुडे आई कुड नॉट गो टू ऑफिस एज आई हैड सम इम्पॉर्टेंट वर्क टुडे. आई लर्नड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज फ्रॉम वन ऑफ माई मेंटर्स, ठीक है, विच हेल्प मी इन माई फ्यूचर, विच विल हेल्प मी इन माई फ्यूचर, विच विल बी हेल्पफुल इन माई फ्यूचर, जो मेरे फ्यूचर में सहायक होगा, हेल्पफुल होगा, है ना, ऐसा करना उसको. एवरीवन शुड हैव वन मेंटर और लाइफ कोच. सही है. देखो एक चीज मैं बता दूं, मैंने फोन में लिखकर भी कोशिश कर ली, जो मजा पेन और कॉपी कर पर लिखने का है ना वो मजा फोन में नहीं आता दोस्त. जब आप इस पेन को पकड़ के कुछ लिख रहे होते हैं तो वो एक अलग ही फील देता है, वो टाइप में वो मजा नहीं आता दोस्त. जो राइटिंग करने वाले उनको पता होगा, बाकी तो फिर अब मैं ज्यादा समझदार आप लोग हो यार, आपको क्या बताऊं मैं, आप खुद ही बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, ठीक है. चलो आ जाओ इधर एवरीबडी, पे अटेंशन हो भैया. तो डायरी राइटिंग जो है सबसे बेस्ट सोर्स है अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का, है ना. आज से कोशिश करो, लिखने की कोशिश तो करो, ठीक है ना. आज जो जो दिन भर आपने सीखा है, व्हाटएवर यू हैव लर्न्ड थ्रू आउट द डे, ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, उसको लिखो अपने शब्दों में. जो भी आपके दिमाग में कॉन्टेंट है, टेक्स्ट है, उसको बहुत ही, और इसको लिखने के लिए ऐसा नहीं कि कोई स्टैंडर्ड भाषा यूज करोगे सो इट विल बी बेटर फॉर यू. इनिशियली यू हैव टू राइट वे इन अ वेरी सिंपल वे. आपको पता हो तो मैं हमेशा है ना सिंप्लिसिटी की बात बहुत ज़्यादा करता हूँ, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव जो मजा सिंप्लिसिटी में वो कहीं नहीं है दोस्त. आप सोचो कि मैं स्टैंडर्ड भाषा में लिखूँ, नहीं भैया कुछ नहीं होना जाना है. शशि थरूर जो है जब इंग्लिश बोलता है तो भी वही इंग्लिश बोलता है जो इंग्लिश एक आम आदमी बोलता है. तो ऐसा नहीं कि सर शशि थरूर की इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना. तो भैया भाषा भाषा है, हाँ इतना है कि भाषा में शब्दों का चयन जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आप शब्दों का चयन जो है वो अच्छा करें, ठीक है ना.